हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। हम अपने राजनांदगांव का गणपति बप्पा दिखाएंगे आपको, और कुछ कुछ जगह पर झांकियां भी बनी हुई है। हॉरर थीम है, बड़ा ही भयंकर वाला सीन है यार राजनांदगांव में तो, और आपको भी बहुत मजा आएगा। तो किस बात की देरी है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो गाइज, हमारा मेकअप देख देख कर, मतलब मैं रील्स में इतना मेकअप जो डालती हूँ अपना खुद सेल्फ करके, कभी कभी मतलब जो वीडियोस आप लोग देखते हो वो मैं खुद ही मेकअप करती हूँ। तो ये देख देख कर मुझे मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की, मेरी BFF, उसने मैसेज किया कि दीपिका मुझे मेकअप कर देगी, उसकी एक फ्रेशर्स पार्टी है। तो मैंने कहा ओके कर देते, तो वो अभी आई हुई है, तो मैंने उसका मेकअप कर लिया है, उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, मतलब मुझे ये बाद में आइडिया आया कि मुझे आप लोग को भी तो दिखाना चाहिए। मुझे ना कमेंट आया था कुछ लोगों का कि मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाओ बनाओ, तो मुझे लिटरली मैं स्किप कर गई। तो अभी मैं मेकअप ट्यूटोरियल तो नहीं बना पाई, अफसोस की बात है, लेकिन मैं आपको दिखा ज़रूर सकती हूँ कि मैंने मेकअप कैसा किया है। फर्स्ट टाइम तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर और कजन्स वगैरह का करती रहती हूँ, बाकी मेरी फ्रेंड लोगों का, बाहर मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ लोगों का, क्योंकि नहीं जमता। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग यूज़ होते हैं सबके स्किन वाइज। और अभी हम उसका मेकअप दिखाते, पहले हम उसको रेडी कर देते बहुत ही अच्छे से, उसके बाद आपको उसका लुक दिखाती हूँ। देख सकते हैं फाइनली मैंने इसको इस तरीके से रेडी किया हुआ है। कैसी लग रही है ये मुझे बताइए आप लोग। देखो इसको साड़ी पहनाने से लेके हर एक चीज़। हाँ ठीक है, ये ढक गई, बट हील्स के साथ ये अगर पहनेगी ना तो परफेक्ट आ जाएगा इसका लुक। ये देख सकते हो आप लोग, मस्त शिमर विमर के साथ। आईज क्लोज करो, बाकायदा एक फोटोशूट जैसे लेते हैं वैसे लेंगे अपन। नीचे से ऊपर देखो, धीरे से राइट देखो, लेफ्ट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। तो देखो मैंने ऐसा रेडी किया है, अगर आपको कभी काम पड़े, सस्ती अगर हेयर आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए तो मुझे भी याद कर सकते हैं, मैं सस्ते में कर दूंगी। ठीक है okay. कैसा लगा आपको ये लुक? अच्छा लगा, पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच दीपिका, आई लव यू। तो देखिए हमारे यहाँ गणपति विसर्जन में ऐसा मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह लगाए गए हैं बहुत। देखो दाऊ और मम्मी और दीदी बैठ के झूल रहे हैं इसमें, दिखे दिखे आपको। ये देखो ये हमारा दाऊ झूल रहा है, अब आया ये आया देखो, और उसने बहुत लिटरली बहुत इन्जॉय किया इस झूले में बैठ के, मतलब उसको बहुत मज़ा आया। और दीदी ने भी बैठा, मम्मी ने भी बैठा, बहुत इन्जॉय किया इसको। मैं नहीं बैठी क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था, वीडियो बनाना था, इस वजह से मैं नहीं बैठी। देख रहे हो यहाँ पर हॉरर थीम भी प्रिपेयर की गई है। ओ माय गॉड, गजब का डर लग रहा है मेरे को। ओ माय गॉड, देख रहे हो आप लोग, पूछते हैं ना वहाँ पर टिकट सिस्टम है। ओके तो लेते हैं ना। तो हम टिकट लेकर अब अंदर घुस रहे हैं, एंट्री करेंगे अब इस भूत बंगले में, मजा आएगा। ओ ला ला, ओ माय गॉड, क्या खतरनाक फीलिंग आ रही है बाबा। ओ माय गॉड, अचानक से आया भूत सामने, वो भी इतना खतरनाक। डर रही हूँ मैं तो, अंदर से दिल धक धक कर रहा है मेरा। देख रहे हो कैसे लटकी हुई है भूतनी, और हाथ राक्षस ऐसा दबोचेगा। अरे तो पीछे से जो वॉइस आ रही है, कौन है कौन है वाली, तो और ही एकदम खतरनाक लग रही, डरा रहा है तुसी। लेकिन यार क्या डेकोरेशन क्या किया गया है, मतलब मास्टरमाइंड लोगों ने। ओहो, चिपेंजी साहब हमें डरा, चिपेंजी है ना, नहीं। ओहो, लेकिन जो भी है डर तो बड़ा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं, ऊपर से कहीं चमकादड़ ना टपक पड़े, डर बहुत लग रहा है। पल पल में एकदम डर रही सी मैं। ओ दीदी और मम्मी को तो देखो कैसे डर डर के आगे बढ़ रहे हैं। ये राक्षस क्या हिल रहा है यार, एकदम खतरनाक वाला। बच्चे तो डर ही जाएंगे, मैं तो बहुत डर रही हूँ, बट मुझे हॉरर में बहुत मजा आता है। ये देख रही हो, ये हंसते हंसते आगे जा रही है मेरी महान, पता नहीं क्या हंसी आई इसको। ओ ला 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 ला, कौन है कौन है? ओहो, ये देख रहे हो, ये हमारी हड्डियाँ कंकाल किस नाच रही है, ये हमारा वो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट। ये जोकर, ये जोकर 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 जोकर, ये आग जोकर की आँख में घुस गए हम। बाप रे क्या खतरनाक किया गया यार, अगर बच्चे तो डर ही जाएंगे इससे।
ओहो, ये फिर लटकने वाली भूतनी सामने आ गई। अगर ऐसे रात को कोई आ जाए तो बाय गॉड। अच्छा हुआ हम दाऊ को नहीं लेकर आए यहाँ पर, वरना दाऊ तो डर के भाग जाता, डर के बारे सो ही नहीं पाता वो तो। हम दाऊ को इसलिए नहीं लेकर आए, सब ऐसे डर डर के जा रहे ना आगे, एक एक कदम फूक फूक के रखा जा रहा है। देखो ये इसके मुंह में क्या है, देख रहे हो, इसने पूरा निगल लिया एक आदमी को। हम लोग को निगल जाएगा तो, ओ माय गॉड, अगर भैंस के मुंह में चली गई तो। आ, ये है उल्लू, उल्लू बना रहा हमको, ये डेव्यूला, लेट्स फिनिश। माय गॉड, तो हम फाइनली भूत बंगले से निकल कर पंडाल में आ चुके हैं, गणेश पंडाल में। तो अंदर गणेश भगवान बैठे हुए हैं, तो चलो अब हम गणपति पापा के दर्शन करते हैं अंदर जाकर कि कैसे हैं गणपति पापा यहाँ के। चलो यहाँ भी कुछ बन रहा है लगता है। ये इस पंडाल के गणपति पापा है, देख सकते हैं आप सब, ये प्योर मुझे मिट्टी के लग रहे हैं जिसे हाथों से बने हुए हो, नाइस। और आपको पता है गणपति पापा देखने जाओ ना तो ऐसे ये प्रसाद के रूप में ना दाबेली पाव भाजी ये सब कुछ कुछ हर जगह जगह पर मिलता रहता है। देखो मम्मी भी खा रही है और अभी हम भी खाएंगे, बहुत टेस्टी मिलता है। और हर जगह जगह पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, पोहे या कुछ भी, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति वो वैसा देता है। और अब हम यहाँ पर एक दूसरी कोई झांकी देखने जा रहे हैं, ये भी हॉरर थीम लग रहा है मुझे कुछ दूर से ऐसा देख के, देखो है ना हॉरर टाइप ही लग रहा है। अब अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर कैसा हॉरर बना हुआ है, क्योंकि दो दो कुछ ना कुछ बनता ही है हमारे राजनांदगांव में, और स्पेशल बनता है, मज़ा आ जाता है। पिछला वाला तो बहुत खतरनाक था। अब यहाँ देखो मम्मी घुसी, हम घुसे अंदर, ओ माय गॉड इतना अंधेरा, ये तो मेरे को डर लग रहा है कोई कहीं से कुछ आ मत जाए। ए बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा, अरे नीचे 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 संभाल के मम्मी लगना जाए। अरे ये तो ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी, अरे पता ही नहीं चला। ओ भाव क्या गणपति बप्पा है, गणपति बप्पा मोरिया, सबकी मनोकामना पूरी करो। और देख रहे हो गली मोहल्ले को कैसे सजाया गया है, एकदम लबालब लाइट वाइट के साथ। और अब आप लोग गणपति बापा के दर्शन करिए, कितने सुंदर पेटी लग रहे हैं। अभी नेक्स्ट पंडाल, और देख रहे हो भक्तों की भीड़ भी। और हम लोग फर्स्ट सेकंड डे गए ना, दैट्स व्हाई ना भीड़ थोड़ी कम लग रही, बट फिर भी मार्केट एरिया में इतनी भीड़ था ना, बाप रे, मैं तो बाहर बाहर से ही दर्शन कर रही हूँ। मैं लिटरली जितना दूर हो सके दूर से ही वीडियोज़ ले रही हूँ ताकि आपको दर्शन हो जाए अच्छे से। ये देखिए भीड़ दिखी आपको कितनी है। और ये नेक्स्ट पंडाल के हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर सुंदर बैठाए हैं यार। और आप हमारे राजनांदगांव के वैरायटीज ऑफ गणपति बप्पा देखिए, ये देख रहे हो शिव भगवान के साथ गणपति बप्पा। और ऐसी वैरायटीज और कहीं देखने को मिल सकती है सिवाय राजनांदगांव के, देख रहे हो कितने प्रिटी है। सब हमारे राजनांदगांव के राजा है, राजा गणपति बप्पा मोरिया, गजब भीड़ है देख रहे हो आप मेला वेले के साथ। ये वाले गणपति बप्पा कितने क्यूट लग रहे हो, माय गॉड सो स्वीट। ये रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए गणपति बप्पा, मैं तो आधा भीड़ से परेशान हूँ, बाप रे कितना रश है, माय गॉड हर गली मोहल्ला ऐसा खचाखच भरा हुआ है कि जहाँ जाओ वहाँ भीड़, चलने तक की जगह नहीं मिल रही। और यहाँ शायद कुछ तो भी हो रहा है, मुझे कुछ तो भी यहाँ पे लग रहा है। ओके यहाँ पर बैंड बाजा वाले लोग आए हैं, देख रहे हो मतलब जो धुमाल पार्टी वाले टाइप के रहते हैं ना, वो नगाड़ा वगैरह बजाने वाले वो वाले लोग आए हैं। वाओ मेरा तो नाचने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है नाचूं मैं भी इनके नगाड़ों में। और अब हम अयोध्या नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, देख सकते हैं देखो यहाँ पर ना पोहे बट रहे हैं यहाँ पर प्रसाद के रूप में। और हम अब अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे, देखते हैं अयोध्या में क्या बना है यूनिक। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो चलो अयोध्या नगरी में, चलो जल्दी जाते हैं, क्या है नया देखते हैं वहाँ। जय श्री राम जय श्री राम। और देखिए यहाँ पर पूरा अयोध्या बनाया गया है, जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर नया बना है ना, ये कुछ उस टाइप का लुक दिया गया है यहाँ पर। ओ वाओ इट्स ब्यूटीफुल, मतलब अयोध्या की याद दिला दी।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ पर गणपति बापा के पिताश्री को बैठाया गया है। वाओ, जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। उड़ी बाबा, यहाँ पे तो मेला लगा है, मेला भक्तों की भीड़ आई गणपति बापा को देखने। यहाँ पर कुछ जादू भरा तो नहीं है, यहाँ कभी हॉरर वॉरर तो नहीं बना दिए? नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे कुछ तो भी अच्छा लग रहा है। क्या हो सकता है, भीड़ इतनी है तो कुछ लग। ओ वाह, यहाँ पर तो पूरा मतलब भोलेनाथ को बैठाया गया है, देख रहे हो, बागेश्वर धाम यहाँ पर विराजित किया गया है। नाइस, बहुत सुंदर। मतलब लोगों के पास कितनी कलाकृतियाँ हैं ना, लोग कितना अच्छा बना लेते हैं सारी चीज़ों को। नाइस यार, हैट्स ऑफ है आर्टिस्ट को यार। और लोग इतनी भीड़ में भी, मतलब इतने में भी आए हैं देखने, भीड़ में भी लोग घुस रहे हैं अंदर, धक्का मुक्की करके घुसा जा रहा है देखने के लिए, पता है। और मैं तो दूर दूर से ही वीडियो बना रही हूँ, पास जाने की भैया अभी औकात नहीं है उतनी कि मैं पास जाके देख सकूँ। अगर मौका मिला तो ज़रूर पास जाऊँगी। और यहाँ पर शिव पार्वती जी विराजित हुए हैं गणपति बापा के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, पूरी फैमिली है यहाँ पर, विथ फैमिली दर्शन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के लायक कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है, खाने पीने का भी सामान है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ओ वाह, टॉयज़, कितने सारे टॉयज़ हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग, आजू बाजू मेला ही मेला लगा है। ओ वाह, झूला भी दिख रहा है मुझे, तो दूर से आपको दिखा कि नहीं दिखा, मुझे झूला भी दिख रहा है, मज़ा आएगा झूला झूलने में। लेकिन मैं नहीं झूल सकती, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं भी और वॉमिट कर दूँगी अगर मैंने झूले में बैठा तो। देखते इंजॉय करते, बस देख देख के ही इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मम्मी भी इंजॉय कर रही है, ये देखो बच्चों के लिए कितना अच्छा अच्छा यार, नाइस। और यहाँ पर हमें आइसक्रीम खाने का मन किया, तो मैं और मम्मी आइसक्रीम खा रहे हैं कि चले थोड़ा अच्छा इंजॉयमेंट हो जाएगा आइसक्रीम खाने के। मैं मम्मी को देख रही हूँ आइसक्रीम खाते हुए, फुल ऑन मज़े। और यहाँ पर मम्मी चूड़ियाँ ले रही है, अच्छा लगेगा मम्मी, बहुत अच्छा लगेगा। आप कलरफुल देखो, नहीं अच्छा लगेगा। हाँ ये टाइप, तो आप ये वाला ले लो, ये तो कमेंट हाथ में बड़ा कमेंट है, ये देखो ये ठीक लगेगा, और सफेद सफेद लगेगा, तो हाथ आप सफेद मत लो। और अब हम अपने लिए झुमका देखते हैं, अब झुमका जहाँ दिखता है वहाँ दीपिका का दिल पिघल ही जाता है, हर लड़की का पिघल जाता है। तो मम्मी ने मेरे लिए झुमका लिया है और मुझे पसंद आया है, जो भी आया है वो मैंने रख लिया है बस। यहाँ पर जय श्री महाकाल लिखा है, मतलब आगे जाके कुछ महाकाल वाला देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ मुझे आभास हो रहा है, पता नहीं। ओके, मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पर उज्जैन बनाया गया, उज्जैन के जो महाकाल है ना, उनके दर्शन कराए जा रहे हैं। वाओ नाइस। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और बहुत प्यार दो, कमेंट करो भाई, आजकल कर नहीं रहे हो, कैसा लगा ब्लॉग ये भी बताओ कमेंट में। ओके, सो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा और गणपति बप्पा मोरिया। और हाँ, एक और न्यूज़ कि गणपति बप्पा का आपने हमारे राजनगांव का गणपति बप्पा पूरा देखा, और अब आप विसर्जन वाला व्लॉग मिस मत करना, क्योंकि विसर्जन वाला व्लॉग बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब हमारे राजनांदगांव में गणपति विसर्जन फेमस है, मतलब लोग दूर दूर से गणपति विसर्जन देखने के लिए राजनांदगांव आते हैं। तो आप सबको मैं बार बार बोल रही हूँ, मिस नहीं करना गणपति विसर्जन वाला व्लॉग, ज़रूर से देखना, और वो भी दीपिका दबे व्लॉग में। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।